अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर उतरे लोग। शिमला की सड़कों पर हिंदुओं ने किया भारी बवाल। अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े हुए हैं लोग। क्या हिमाचल प्रदेश पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? यह सवाल हिमाचल की सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल हुआ। यह मस्जिद संजौली इलाके में बन रही है, जिसे लेकर कल यानी बुधवार को हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के सत्र के दौरान बयान दिया कि यह मस्जिद अवैध है, जिसके बाद आज हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस प्रदर्शन में सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी शामिल हो गए हैं। फिर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया तो मामला और गर्मा गया। अब सड़कों पर लोग गुस्से में उतरे हुए हैं। आइए एक बार आपको गुस्साई भीड़ की बात सुनाते हैं। बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं, हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है, हमारी महिलाओं को हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है, सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। दो दिन का समय है हिमाचल की जनता ने, समाज ने दिया है। अगर दो दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। जो स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग सौहार्द से यहाँ रहे, अपने आराम से रहे, शांतिपूर्ण ढंग से रहे और किसी भी प्रकार की जो ये अवैध गतिविधियां होती है उनमें सम्मिलित ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कल हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण पर कहा था, जहां मस्जिद बनी है वहां बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का भी अवैध निर्माण हुआ है, पहले एक मंजिल बनाई गई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई हैं और अब 5 मंजिल मस्जिद बना दी गई है। कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के इस बयान के बाद आज शिमला में भारी बवाल हो गया। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अवैध निर्माण तोड़ने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।